नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सॉरी, थोड़ा कैमरा मैं सेट करने में लग गया था क्योंकि कैमरा लाइट बहुत आ रही थी तो इस वजह से डार्क हो रहा था। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। सॉरी यार, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। आई वॉज सो बिजी विद सम वर्क, और ये कि एशिया कप चल रहा है उस पर भी नज़र रखी हुई है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। इट वॉज डे इन डे आउट वर्किंग हार्ड। सो आज मौका मिला कि एशिया कप पर थोड़ी बात करें। इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गया है 2023 का, जो इंडिया में खेला जाएगा उस पर थोड़ी बात करेंगे। ओवरऑल एशिया कप के अंदर डेफिनेटली पता था कि टॉप चार टीमों के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली है, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो बहुत ज़्यादा हाइप का था, लेकिन सबको पता था कि बारिश हो जाएगी, नहीं होगा। लेकिन जो एक इनिंग हुई जहाँ इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई, टॉप ऑर्डर्स ने कोलैप्स किया, नीचे से ईशान किशन ने बड़ी शानदार बैटिंग करी, हार्दिक पांड्या के साथ उसने पार्टनरशिप की, तो इंडिया गिरते गिरते 266 पे पहुंचा। यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, दे ऑन द टॉप। सबसे पहले शाहीन शाह आफरीदी की अगर बात करें तो इसमें गलत नहीं होगा, जिस तरह से वो लड़का साल में, डेढ़ साल के अंदर जिस तरह वो अपने आप को मनवाया है, जिस तरीके से वो एक बड़ा बॉलर बन चुका है, दुनिया के अंदर तहलका मचा चुका है, टॉप ऑर्डर को वो तहस नहस कर देता है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली जैसे प्लेयर हो, मतलब कि किसी को भी वो रहने नहीं देता है। वहाँ पर हाथ भी मिलाता है और फिर उसके बाद विकेट भी लेता है। ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ उसकी बॉलिंग, आप लोग सब इन्जॉय कर रहे होंगे। और इसमें यह है कि इंडियन फैंस वैसे नहीं इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर इंडिया का जो है लड़खड़ा रहा है, और वो टॉप ऑर्डर के अंदर जो विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं वो है शाहीन शाह आफरीदी। पाकिस्तान की टीम, मैंने पहले भी कहा था, एशिया कप के लिए बड़ी फेवरेट है क्योंकि टीम बड़ा बैलेंस अच्छा है, सारी कॉम्बिनेशन है। इंडिया एज अ कंपेयर करें तो इंडिया के पास जो बैटिंग है, ऊपर से केएल राहुल अभी तक नहीं आए हुए टीम के अंदर, वो आएंगे। लेकिन ईशान किशन जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इज़ बैटिंग वेरी गुड। हार्दिक पांड्या जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, द वाइस कैप्टन, वेरी गुड। लेकिन कंसर्न तो वही है इंडिया का कि यार ऊपर का टॉप ऑर्डर कब चलेगा, कब ये शुभमन गिल हो गया चलेंगे, मतलब श्रेयस अय्यर भी इंजरी के बाद आया है, टॉप ऑर्डर फेल होता जा रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। जब अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा आज मैच खेला, उन्होंने फाइट अच्छी करी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन 2 रन से श्रीलंका मैच जीत गई। अच्छे मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के अंदर। यंग मिनर्स की टीम नेपाल ने अपना थोड़ा जो इनके पास टैलेंट है वो दिखाया कि जितना उनके पास टैलेंट है, लेकिन अगर उनको और कंसिस्टेंट बेस के ऊपर क्रिकेट मिलती रही और बेस्ट कोचेस उनके पास आते रहे तो दे कैन अब कम टू अ गुड, अच्छी टीम एक बन सकती है। बांग्लादेश 50 ओवर की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा बीच में नहीं अच्छा खेल रही थी, फिर उसके बाद वापस अच्छा खेल रही है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ज़बरदस्त वापस से होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। और जिस तरह के एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं, पालके में हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, बारिश है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इंडिया अपना मैच जीता, देखे इंडिया की बॉलिंग क्यों कंसर्न में कह रहा हूँ, इंडिया का मैच हुआ नेपाल के साथ और नेपाल की टीम जो है 200 प्लस रन्स कर गई इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ, विच आई थिंक सो जैसे नेपाल की जो बैटिंग है इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो इंडियन फास्ट बॉलिंग की बैटरी और इंडियन बॉलिंग है वो काफ़ी एक्सपीरियंस इनफ है, दे शुड हैव बंडल देम आउट ऑन 150। अगर नेपाल जैसी बैटिंग लाइनअप जो है अगर इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ 230 बनाती है तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हो गई और कोई और कंट्री की बैटिंग लाइनअप हो गई तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा रन्स बनाएगी। सिलेक्शन कमेटी को इस बात पर सोचना चाहिए था कि यार इट इज़ अन कंसर्न कि यार हमारी बॉलिंग उस तरह से नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा भी खुद थोड़े से वो लगते हैं, कन्फ्यूज लगते हैं कि यार क्या हम 300 भी डिफेंड कर पाएंगे इस ट्रैकों के ऊपर, क्या हम पहले बैटिंग क्या हम चेस कर पाएंगे, जो हमारा टॉप का ऑर्डर है वो इस तरह फ्लरिश नहीं कर रहा। नो डाउट शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने कहा, डकवर्थ लुईस का वो मैच हुआ था, डकवर्थ लुईस से वो मैच इंडिया बगैर कोई विकेट खोए जीत गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त, बट स्टिल द कंसर्न आर देयर। आप कंसर्न ये देखें कि यार अच्छा अटैक आता है जहाँ पेस बैटरी आती है, 150 प्लस की 3-4 बॉलर जो 150 प्लस पे कर रहे होते हैं वहाँ पर टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है, मिडल ऑर्डर को फिर सहारा देने पड़ता है, और जिस तरह से अक्षर पटेल जिस तरह के प्लेयर है फिर उनको आके संभालनी पड़ जाती है बैटिंग लाइनअप को, तो ये एक वरी साइन है। बॉलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। मैं यार जसप्रीत बुमराह कि इसके लिए उसको बोलूँगा कि यार इज़ कमिंग फ्रॉम इंजरी से आ रहा है, इट्स नॉट ईजी प्लेइंग इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, मोहम्मद सिराज वेंट फॉर
plenty of runs again. He was too wavered. Wicket to mili. उसके बाद मोहम्मद शमी went for runs. मतलब कि इनको अभी stand up करना पड़ेगा. Bowlers को थोड़ा सी देखना पड़ेगा कि यार रविंद्र जडेजा बहुत अच्छी bowling कर रहे हैं. कुलदीप यादव जो एक ही wrist spinner है team के अंदर वो अच्छी bowling कर रहे हैं. लेकिन इंडिया को यहाँ देखना पड़ेगा कि यार हमें कहाँ अपनी वीक एरिया से अभी टाइम शॉर्ट हो गया है. वर्ल्ड कप सर के ऊपर है. वर्ल्ड कप की भी इन्होंने टीम अनाउंस कर दी, उससे भी बात करूंगा. वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की मोस्ट लाइकली सेम टीम है, कोई चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं है. 50 ओवर का ही है. रोहित शर्मा ने कॉन्फिडेंस शो किया हुआ है अपने टीम अपने मेट्स के ऊपर जो ये टीम के साथ आज उतरे हैं एशिया कप में. लेकिन आई डाउटेड यार ये टीम मुझे थोड़ा सी जो है मेरे ख्याल से चेंजेस होनी चाहिए थी. थोड़ा वेट कर जाना चाहिए था. एशिया कप को ख़त्म हो जाने चाहिए था. उसके बाद जो है आप एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस को, एनालाइज करते हैं क्या आपको लेके आना है प्लेयर, किस प्लेयर को आपको लेके आना है, थोड़ा सा उस पर देख लेते तो आई थिंक दैट शुड हैव बीन बेटर. लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया. लेकिन इंडिया अभी एशिया कप में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है अभी परफॉर्मेंस अभी देखने मिलेगी. एशिया कप ख़त्म होगा, इसका रिजल्ट किसके पास जाता है भाई. मैं यहाँ समझता हूँ कि 75% जो चांस है वो पाकिस्तान का एशिया कप जीतने का, 25% चांस है इंडिया का. क्योंकि वैसा मज़ेदार क्रिकेट नहीं खेल रही इंडिया. इंडिया को खुद भी पता है कि वेस्ट इंडीज़ की पूरी सीरीज़ हुई वहाँ पर T20 में किस तरह से उन्होंने खेला क्रिकेट और जिस तरह की बैटिंग फॉर्म है. विराट कोहली नीड टू स्टेप अप, रोहित शर्मा नीड टू स्टेप अप, शुभमन गिल नीड टू स्टेप अप, श्रेयस अय्यर नीड टू स्टेप अप. इन सबको जो है स्टेप इन करना पड़ेगा अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह. जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे हैं तकड़ी लाइनअप है. हारिस रऊफ के साथ 150 प्लस पे बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं. इंडिया को यहाँ पर अपनी बैटिंग को अपनी बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए बैटिंग करनी पड़ेगी. नो डाउट उन्हें दुनिया में सब कहते हैं कि भाई इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो क्लिक नहीं कर रही है. वो क्लिक करनी पड़ेगी उनको. अगर एशिया कप जीतना है, कॉन्फिडेंस बहाल करना है, वर्ल्ड कप में जाना है विद अ विक्ट्री, तो इनको अपना स्टैंडर्ड्स को हाई करने पड़ेंगे. अदरवाइज ये होगा कि प्रेशर में आ जाएगी. एशिया कप में हार गया फिर वर्ल्ड कप के अंदर प्रेशर आएगा. पाकिस्तान के खिलाफ फिर मैच है गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम के अंदर, वो भी एक बड़ा प्रेशर मैच होगा इंडिया के लिए. क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर मैं यहाँ बात करें, मुझे एक्सक्यूज करेगा, अगर यहाँ पर बात करें ना तो बॉस जो इंडिया की टीम है, अगर मैं यहाँ बात करूँ इंडिया की वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट द सेम है. इसमें कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं है. अगर आप देखें कि इंडिया ने स्क्वाड जो बनाया हुआ है उसके अंदर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन मौजूद है विकेट कीपर बैट्समैन, केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है. और जिस तरह से ईशान किशन खेल रहे केएल राहुल को अभी देखे कहाँ चांस मिलता. सूर्य कुमार यादव मौजूद है, ही नीड्स टू कम अप टू अ शो. इसको भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी जब भी मौका मिले इसको. अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव. ओनली रिस्ट स्पिनर जो है वो है कुलदीप यादव. दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रखे हुए हैं अक्षर और जडेजा, क्योंकि डीप बैटिंग कर जाते हैं. शार्दुल भी बैटिंग कर जाता है. बुमराह के साथ शमी और सिराज है. ये लाइनअप है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कंसर्न है कि यार जो लड़के खेल रहे थे कंसिस्टेंस फॉर्म में थे, थोड़ा सी देख लेना था ये एशिया कप ख़त्म हो जाता उसके बाद देखते कि यार परफॉर्मेंस क्या चल रही है, यहाँ पर किस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, किस तरह से टीमें खेल रही है. क्योंकि मेन जो कंसर्न है, मेन अगर कंसर्न है, जैसे इंडिया का अगर मैं मैच देख लूँ, इंडिया पाकिस्तान का अगेंस्ट तो नो रिज़ल्ट आया था मैच, लेकिन इंडिया का अगर मैच देख लें नेपाल के साथ तो उस पर थोड़ी नज़र मारता है. रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच तो हुए थे लेकिन नेपाल 230 कर गया था. यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ बार बार बॉलिंग का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बॉलिंग के अंदर देखे 729 शमी इकोनॉमिकल रहे, 4.1 सिराज, 61 पर गए, तीन खिलाड़ी को तो आउट किया. लेकिन यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह जो है उसको रेस्ट कराया गया था क्योंकि रेस्ट करना बनता भी था. जडेजा ने 3 आउट किए थे, कुलदीप ने 10 में 34 कोई आउट नहीं कर, ठाकुर ने 1 और पांड्या ने 1. और यहाँ पर फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की उस टाइम पर बेंच पर बैठे हुए थे सूर्य कुमार यादव बैठे हुए थे, अक्षर पटेल बैठा हुआ था, दिलीप वर्मा, ये सारे बैठे हुए थे. लेकिन तो ये सीन है, कुलदीप यादव को आना पड़ेगा अंडर रैंक्स. पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं मैच की बात करूं तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का मैच खेला गया, इंडिया ने बैटिंग करते हुए ऊपर के टॉप ऑर्डर देखे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, 11, 10, 4, 14. वो तो ईशान किशन की एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी कि 82 किया और हार्दिक पांड्या ने 87 किया. फिर उसके बाद वापस से टीम गिरना शुरू हो गई और यहाँ पर जो है
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ऑन द टॉप, 4 विकेट, नसीम शाह 3 विकेट, हारिस अरूफ 3 विकेट, 150 प्लस पे बॉल करने वाले बॉलर है। उसके बाद कंट्रीब्यूट किया, शादाब हो गए, नवाज हो गया, आगा सलमान हो गया, ये चिप इन करते रहे। लेकिन जहाँ स्पिनर आए वहाँ उनको मार पड़ी, स्पिनर्स को अच्छा खेलते, लेकिन टॉप ऑर्डर के लिए फास्ट बॉलिंग को खेलना ज़रूरी है। बांग्लादेश जो है अफगानिस्तान से 89 रन से मैच जीत गई थी, लेकिन अभी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच है, श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, पाकिस्तान और इंडिया का सुपर फोर का पहला मैच खेला जाएगा 3 मार्च को कोलंबो के अंदर। यहाँ पर इंडिया का पता चलेगा कि यहाँ से फिर खेलेगी पाकिस्तान श्रीलंका। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करता है, क्योंकि बड़ा टफ टास्क हो जाएगा और इन दोनों को आना है, तो दोनों को वापस से फाइनल खेलना है। सेमीफाइनल के बाद एक फाइनल होगा, तो वो है इंडिया पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीम आ जाएगी, लेकिन इंडिया को अपनी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, बॉलिंग को, बॉलिंग में और जान डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान बड़ी अच्छी बैलेंस साइड हो गई है, इनके पास जो प्लेयर है मोस्ट लाइक यही वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे और यही टीम पे वो खेलेगी। और बाबर आजम की कप्तानी के अंदर दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब, ऑल द गाइज ओवर देयर इन द टीम अच्छा उसको वो कर रहे हैं, परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। मे भी एक आध दो चेंज हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी पाकिस्तान की। लेकिन इंडिया की थोड़ा रुक जाना चाहिए था एशिया कप को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए लड़कों की, और उस हिसाब से टीम। लेकिन रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट स्क्वाड है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोग से होगी बहुत जल्दी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।